यूपी में कैशियर से बाइक सवार चार बदमाशों ने 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम गांधी पार्क थाने से महज कुछ ही दूरी पर दिया गया। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंच गए और तत्परता दिखाते हुए लूट के 12 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। ये पूरा घटना अलीगढ़ थाना महुआ खेड़ा इलाके के धनीपुरा मंडी के समीप अड़तिया का है, जहां अजय कुमार नामक एक शख्स जीटी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक में से 22 लाख रुपए निकालकर प्रदीप अग्रवाल के पास मंडी जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार चार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उससे 22 लाख रुपए की नकदी लूट ली। ऐसा कहना कैशियर अजय का था, लेकिन इस पूरे मामले की तहकीकात जब पुलिस द्वारा की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सच्चाई से पता चला कि खुद मुनीम अजय और उसके बेटे अंकुर ने मिलकर ये प्रपंच रचा। दरअसल पुलिस की तहकीकात से पता चला कि तकरीबन 7 साल रहमतपुर गढ़मई में अजय कुमार नामक एक शख्स बतौर मुनीम काम कर रहा था, जिन्हें 22 लाख रुपए के 4 चेक बैंक से भुगतान लेकर आने के लिए दिया गया था। अजय कुमार ने इन चेकों को लेकर तकरीबन 10:30 में रवाना हुए और थाना गांधी पार्क के सामने स्थित एचडीएफसी बैंक से रुपये निकालकर वापस मंडी आने लगे। इसी बीच अजय से दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने रुपये का बैग तमंचे के बल पर लूट ले गया, जिसके बाद पुलिस ने सौरभ की तहरीर पर मुनीम अजय की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए महुआ खेड़ा में लूट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस द्वारा मुनीम से पूछताछ में पूरा भेद खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। एक अजय नाम का ये कार्यकर्ता है, मतलब एक सर्वेंट है जो बताया गया, इसको 4 चेक दिए गए थे बैंक से कैश कराने के लिए। 4 चेक 9 लाख 9 लाख 2 लाख 2 लाख इसके कैश करा के आ रहा था। इसका कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इसका बैग जो है वो छीन करके वहाँ से भाग गया, ऐसा इसने फ़ोन पर सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं, टीमें लगा दी गई हैं, CCTV फुटेजेस जो एरिया में हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। और जो सर्वेंट जो ये अजय नामक जो व्यक्ति है जिसने बताया है, उसकी सभी बातों को तस्दीक करते हुए वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। जैसा भी इसका आउटकम आता है, जो भी परिणाम आता है, उसी का समाज में ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए जो खुद के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस के आगे शायद ऐसे लोगों की एक ना चलती है और उनका नकाब उतर जाता है।